नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टक में, गुरुजी में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं रेलवे जेई के। दोस्तों आपको पता है 26 मई के दोस्तों आज का एग्जाम हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट का दोस्तों एग्जाम चल रहा होगा, तो पूरा एनालिसिस लेकर आ गया हूँ 26 मई का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत बार पूछे जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बन चुके हैं, जहाँ के क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ पे आपके पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं, आपका एग्जाम हो रहा है 26 मई को और 25 मई को जो एग्जाम हुआ उसका जो लेवल था वो 23 और 24 मई वाले पेपर से काफ़ी दोस्तों डिफिकल्ट हो गया है। दोस्तों काफ़ी मॉडरेट लेवल बन रहा है एग्जाम। और दोस्तों इसके अलावा मैथ्स जो क्वेश्चन है, तो हम तो यही कहेंगे लगभग जो 20 से 25 के बीच में स्कोर कर रहे हैं वो बहुत ही सेफ स्कोर कर रहे हैं। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का लेवल है वो आपका मॉडरेट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों कैसे कैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और दोस्तों कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम, और कौन सा वो टॉपिक दोस्तों जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है, वो सब कुछ दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर के, और दोस्तों स्टैटिक जीके के जो पोर्शन हैं वो किस तरह क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो कोई भी इन्फॉर्मेशन से पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके सामने शुरू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों देखना है कि 26 मई के दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर दोस्तों एप्टीट्यूड जो आपका सेक्शन है उसका दोस्तों लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, और इसके अलावा रीजनिंग भी दोस्तों आपकी जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके थोड़ा घुमा के पूछे जा रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, जो आपसे इजीली हो जाए वही करिएगा, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना, क्योंकि आपको यहाँ पता है 90 मिनट आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पर। इसके अलावा फिर आपका जीके जो पोर्शन है वो भी आपके लेवल बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के और जो अलावा जितने भी स्पोर्ट्स के गेम्स दोस्तों हुए हैं वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्रॉफी का भी दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ट्रॉफी वाले क्वेश्चन हैं वो आपके एक दो क्वेश्चन डेली देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी की जो पोर्शन है, आपका राज्यपाल से गवर्नर है, CM है, इंसिलेटर क्वेश्चन मिल रहा है आपको। और इसके अलावा जनरल साइंस की बात करता हूँ तो फिजिक्स के क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों अभी आज मैं बात करता हूँ आज के सेकंड शिफ्ट के बारे में, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के काफ़ी लगभग 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जबकि बायोलॉजी और फिजिक्स दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे कम मिले हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका दोस्तों जो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था वो देखिए किस प्रकार दोस्तों था। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है, चाणक्य किसके सभा के सदस्य थे, यानी चाणक्य जो थे वो किसके जो है सभा के मेंबर थे। तो दोस्तों इसका आंसर है चंद्रगुप्त, आपको उससे पता होगा। इसके अलावा फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है रेडॉक्स रिएक्शन पे, दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ था उसमें आपका दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन का दोस्तों आपका एग्जांपल दे रखा था, जिसमें आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ था जिसमें आपका रिएक्शन करवाया हुआ था रेडॉक्स का, और उसके बीच में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लेता है उसी से संबंधित जो होता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, किसका एक बार बॉडी पार्ट कट जाने के बाद दोबारा से आ जाता है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका बॉडी पार्ट अगर कट जाता है तो फिर दोबारा से वो रिजनरेट हो जाता है, इसका आंसर आपको बताना था। इसके अलावा दोस्तों यह बायोलॉजी का पोर्शन था। अब देखिए दोस्तों अगला आपका मैथ्स का एक क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 5,000 रुपीज बिकम्स 10,000 एट द रेट ऑफ 12.5% इन हाउ मनी ईयर्स। दोस्तों यहाँ पे टाइम आपको बताना है कि 5,000 रुपये की जो धनराशि है वो 10,000 रुपये 12.5% रेट के हिसाब से कब होती है, वो समय आपको ज्ञात करना था, वो समय आपको बताना था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हो जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाई, तो इसका दोस्तों आंसर जो है आपका जेम्स चैडविक, आपको पता होगा न्यूट्रॉन से जो डिस्कवरी कर रखी थी वो है जेम्स चैडविक। इसके अलावा आपका प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, ये सब भी क्वेश्चन आपके आने वाले स्टेज में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का दोस्तों क्वेश्चन है आपका, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल के दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, रदरफोर्ड मॉडल जो आपका है, रदरफोर्ड मॉडल है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोस्तों कैसे मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कैसे होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, ये सब दोस्तों देख लीजिएगा। काफ़ी छोटे टॉपिक्स हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन का पूछा गया है, बॉन्ड प्रेजेंट इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में दोस्तों कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें दोस्तों ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्ड होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है आपका, तो ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के सेक्शन से ये भी पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं लेंस फार्मूला पूछा था फिजिक्स पोर्शन में, तो लेंस फार्मूला को पता होगा 1/F = 1/V - 1/U होता है, दोस्तों इसका एक क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट फार्मूले के बेस पे था, बस आपको वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर निकालना था। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विच एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स,
ऐसे दोस्तों कौन से जानवर हैं जो आपके त्वचा से सांस लेते हैं, त्वचा से दोस्तों वो रिस्पायरेशन करते हैं, तो इसका आपको आंसर देना था। तो इसका आंसर दोस्तों आपका डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन देख लीजिएगा जो आपको लगता है कि हाँ ये स्किन से आपका ब्रीथ करते हैं ऐसे एनिमल्स हैं, तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका देखिए स्ट्रेटेजी का एक पोर्शन आया हुआ है, ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपको पता होगा ओणम जो फेस्टिवल है वो आपका मनाया जाता है केरला में, कौन से स्टेट में, भारत के किस स्टेट में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, तो उसका आंसर जो सही होगा वो आपका होगा केरल। तो इस बात का ध्यान देना है आपको कि जो स्टेट जीके का पोर्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा आपका अभी कल परसों में क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था पिंक सिटी, पिंक सिटी कौन से शहर को कहते हैं, तो उसका आंसर था जयपुर। तो इसी तरह दोस्तों आपके जो स्टेट जीके बहुत ही अच्छे अच्छे पोर्शन हैं जहाँ के दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से आपके पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, दोस्तों आपको पता होगा वी इज इक्वल टू आई आर होता है आपका जो है, इसके बेस पे दोस्तों का क्वेश्चन आपका आया हुआ था जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, करंट आपका देता है, रेजिस्टेंस दे देता है, आपको वी पूछ लेता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था टाइम एंड वर्क का, दोस्तों लगभग दो क्वेश्चन आए हुए थे, काफ़ी ईजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, एक क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी आया हुआ था, एक थोड़ा मॉडरेट था जिसमें आपका इफिशियंसी के बेस पे था, उससे आपका रेशियो निकालना था, इफिशियंसी का वर्क इफिशियंसी का रेशियो निकालना था, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का, दोस्तों क्वेश्चन लगभग दो आए हुए थे, प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बनता है जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होते हैं, दो से तीन क्वेश्चन, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे फर्स्ट मीटिंग के एग्जाम में। और फिर देखिए दोस्तों आप अगला क्वेश्चन क्या आया था, एमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, यानी दोस्तों करंट मेजरमेंट की डिवाइस का कल भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे एक फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है कि एमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग हाई करंट, लो करंट, वेरी लो करंट, वेरी हाई करंट, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा हाई करंट, या हाई करंट को मेजर करता है आपका एमीटर। इसके अलावा दोस्तों तुरंत आपने बाद में देखा होगा आई का एक करंट का एक दोस्तों और क्वेश्चन आपका आया था, न्यूमेरिकल आया हुआ था जिसमें आपका आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इस फार्मूले का यूज़ करना था आपको, जहाँ पे आपको पता होगा क्यू यहाँ पे चार्ज है, टी आपका जो है टी दिया हुआ है, आई दिया हुआ क्यू इक्वल टू आई टी भी होता है, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया डायरेक्ट फार्मूले के बेस पे, बस ये आपको वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालना था आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी में। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए आप एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था फ्रीक्वेंसी का, जहाँ पे दोस्तों फ्रीक्वेंसी आपका इन निकालना था, यहाँ पर टाइम पीरियड आपको दे रखा था, तो आपको सिंपली यूज़ करना था एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी, और दोस्तों यहाँ पर आप एफ आप आपको दिया हुआ है या फिर टाइम पीरियड दिया होगा, आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपका जो होता है दोस्तों वो आपका हर्ट्ज में आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर। फिर दोस्तों आप देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का दो क्वेश्चन आया हुआ था, अभी दोस्तों आप देख रहे हो डेली के एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन चुका है, और दोस्तों यहाँ पे आपको चाहे वो राउंड में आपको बैठा सकता है टेबल में, या फिर दोस्तों सीधे सीधे आपको बैठा सकता है पंक्ति में, तो इस बात का ध्यान दीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन दो आए हुए थे, आपका थ्री डायग्राम में मान लीजिए आपका पैलोग्राम है, सिलेंडर है, या फिर दोस्तों स्फेयर है, इसके क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जिससे आपका रेडियस पूछ ले रहा है, या हाइट पूछ रहा है, या फिर एरिया वॉल्यूम कुछ भी पूछ सकता है आपका, मेंसुरेशन का आपका लगभग दो क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए अगला दोस्तों कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ था परफ्यूम स्मेल, परफ्यूम की जो स्मेल होती है दोस्तों आपका पूरा एयर में क्यों फैल जाती है, उसका जो फैलने का रीज़न है वो क्या है, तो फ्रेंड्स वो आपका डिफ्यूजन के कारण दोस्तों पूरा परफ्यूम जो है पूरे ओवर ऑल एयर में जो है यहाँ पे फैल जाती है। इसके अलावा ह्यूमन आई का दोस्तों एक क्वेश्चन मिला था जिसमें प्यूपल का है, या इरिस का है, या कुछ भी दोस्तों रेटिना का है, कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है आपका वो उससे एक क्वेश्चन दोस्तों पुटअप कर सकते हैं, उठा सकते हैं, जिसका आंसर आपको देना होगा। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है टी इक्वल टू 0.5 सेकंड दे रखा है और फ्रीक्वेंसी पूछ रखा है, तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T होता है, जहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1/0.5 हो जाएगा, और टू दोस्तों यहाँ पे 2 सेकंड आपको पता होगा सेकंड यूनिवर्स आपका यहाँ पे यूनिट होता है आपका फ्रीक्वेंसी का, उसको हम दोस्तों कहते हैं हर्ट्ज, दोस्तों ऐसी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो आपकी हो जाती है हर्ट्ज, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा वो 2 हर्ट्ज हो जाएगा, आप ऑप्शन यहाँ पे मैच करवा सकते हैं। और फिर दोस्तों आपका फोकल लेंथ से एक क्वेश्चन देखने को मिल गया था, फोकल लेंथ दोस्तों आपका पता है आपको लेंस दे देगा, चाहे कन्केव या कन्वेक्स लेंस दे देगा, और वहाँ पे लिख देगा कि ये ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी हुई है, और एक इंसिडेंट रे है जो आपके इससे पहले क्रॉस करती है, तो बताइए आपका इसका ऑब्जेक्ट का जो मिरर इमेज होगा वो फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आपका बन रहा है, या फिर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, क्या होगा, वो टाइप पूछ ले रहा है आपसे, तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है कि फोकल लेंथ के या फिर लेंस के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ह्यूमन बोन का एक क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों बन रहे हैं, तो काफ़ी दोस्तों इजी तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल है, और एक दो क्वेश्चन दोस्तों इजी लेवल के भी पूछे जा रहे हैं आपके इस चैप्टर से। अगर देखिए फ्रेंड्स आपका परसेंटेज के लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ था, इसके अलावा डायरेक्शन वाला जो रीजनिंग होता है आपको, जैसे मान लीजिए आपका एक राहुल है या रमन है जो आपका ए पॉइंट से निकलता है और सीधे ईस्ट की डायरेक्शन में जाता है 2 किलोमीटर, फिर वेस्ट में चलता है 2 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर उसका लास्ट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है या किस डायरेक्शन में वो है लास्ट पॉइंट से अपने,
तो ये आपको बताना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी उसमें लेवल मॉडरेट नहीं किया गया है, आपका जो लेवल चल रहा था वही लेवल चल रहा है। हाँ लेकिन दोस्तों ये पोर्शन आप मान सकते हैं कि मैथ में कुछ लेवल्स जो हैं आपके वो मॉडरेट किए गए हैं, जिससे कैंडिडेट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वाला सेशन होना है, तो इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं, जितना आपसे इजीली बन सके सही सही वही आप कीजिएगा, गलत अटेम्प्ट बिल्कुल ना करिएगा। इसके अलावा दोस्तों अल्कली मेटल के बारे में आपका पीआई टेबल से एक क्वेश्चन आया हुआ था। जी दोस्तों अगर आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पीआई टेबल का एक ओवरव्यू जरूर ले लीजिएगा, जिसमें से आपके दो तीन क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं और इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उसके सेकंड सेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लगभग दोस्तों मैथ्स का जो पैटर्न है वो सेम ही है, जिस चैप्टर का मैंने बताया है वही आपके क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। इसके अलावा जो जीके जीएस के पोर्शन से कवर हो रहा है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। एशिया एयरगन चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल भारत को मिले हैं दोस्तों, तो ये आपका पता होगा, इसका आंसर जो है वो 25 है। इसके अलावा दोस्तों बेरिलियम इज सिमिलर टू विच एलिमेंट, जो आपका बेरिलियम दोस्तों एलिमेंट है आपको पता होगा, उसके सिमिलर में कौन सा एलिमेंट है आपको पता होगा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है दोस्तों, ये सब आपके जो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं आपको पता होगा, सिमिलरिटी उसके अंदर होती तभी डिवाइड किए जाते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीआई टेबल देखिए, हेलोजन ग्रुप का भी एक क्वेश्चन आया है, मैंने आपसे कहा ना पीआई टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल गए आपके सेकंड शिफ्ट में। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, वो गिर नेशनल पार्क, आपको दोस्तों पता होगा बहुत ही बड़ा पार्क है गिर नेशनल पार्क, वो कहाँ पर स्थित है, इसका सिचुएशन लोकेशन क्या है वही आपको क्वेश्चन बताना है। तो गिर जो आपका गिर नेशनल पार्क है वो आपका गुजरात में है, तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर देना था। इसके अलावा देखिए आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कंट्री लॉन्च्ड हाइड्रोजन ट्रेन, ऐसा दोस्तों कौन सा देश है जो हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च कर चुकी है, सबसे पहले लॉन्च किया है हाइड्रोजन ट्रेन को, वो आपका है जर्मनी, इसका दोस्तों करेक्ट जो आंसर है वो आपका जर्मनी है। इसके अलावा नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पर गए हुए थे वो कौन से टाइम में गए थे, कौन सा सन था जब वो गए थे, और इसके अलावा वो कौन से दोस्तों स्पेस क्राफ्ट यूज़ कर रखे थे जाने के लिए, तो आपको दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग हैं वो 1969 में गए हुए थे मून पर, और दोस्तों उन्होंने जिस एयरक्राफ्ट यानी जिस स्पेस क्राफ्ट का यूज़ किया था, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे जिस स्पेस क्राफ्ट का उन्होंने यूज़ किया था वो आपका अपोलो 11 था, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। फर्स्ट चाइनीज केम टू इंडिया, पहला चीनी यात्री जो भारत में प्रवेश किया वो दोस्तों फाहियान, आपको पता होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है काफ़ी एग्जाम्स में, तो ये फाहियान इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट चाइनीज केम टू इंडिया। कैलेंडर के लगभग दोस्तों दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा देखिए केमिस्ट्री का दोस्तों एक क्वेश्चन था, आंट में यानी कि चींटियों में कौन सी एसिड होती है, तो दोस्तों वो होती है फॉर्मिक एसिड आपकी। इसके अलावा दोस्तों हम टाइम एंड वर्क के तीन क्वेश्चन लगभग आए हुए थे सेकंड शिफ्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस के दो क्वेश्चन आए हुए थे, एससीएफ एंड एलसीएम का दो क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका आपको दोस्तों एससीएफ और एलसीएम पूछ लेता है, या फिर दो नंबर्स दे देते हैं उनके एससीएफ एलसीएम पूछ लेता है, या फिर फ्रेंड्स एक नंबर देता है एससीएफ एलसीएम देता है और सेकंड नंबर पूछता है, तो ये आप दोस्तों को पता होगा फॉर्मूला आराम से इसको निकाल सकते हैं। पीरियाडिक टेबल के लिए दोस्तों तीन क्वेश्चन पूछे गए थे इस वाले शिफ्ट में आपके। इसके अलावा एसिड को दोस्तों वाटर में मिक्स करने पर जो आपका रिएक्शन के बेस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट आपको जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैंने इसका खाली इतना लिख दिया कि एसिड को वाटर में कैसे मिक्स करते हैं, इसका जो रिएक्शन होता है क्या उसमें फॉर्मेशन होता है, क्या प्रोडक्शन होता है उसमें, रिएक्शन से क्या जनरेट होता है वो आपको बताना होता है वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका फुल फॉर्म है नासा का, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा इसरो का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर दोस्तों अलग जो आपकी एजेंसीज है सिक्योरिटी की या फिर दोस्तों एरोनॉटिक्स की, उसके जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं बनते हैं। किरण बेदी किसकी राज्यपाल हैं, जी हाँ दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, गवर्नर और सीएम क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, पुटअप हो रहे हैं, तो किरण बेदी जो है किस राज्य की राज्यपाल हैं इस समय, तो दोस्तों ये उस राज्यपाल दोस्तों इस समय है पौंडचेरी की, उपराज्यपाल हैं आपकी किरण बेदी जी। और इसके अलावा दोस्तों लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, तो आपको पता होगा फीमर की हड्डी जो होती है आपकी, जो आपकी जांग की हड्डी जिसको बोलते हैं, तो फीमर जो है आपका दोस्तों वो आपका सबसे बड़ी आपकी बोन है आपके ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा दोस्तों ब्लड क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड किसे कहते हैं, तो आपको दोस्तों पता होगा ब्लड जो है आपका वो कनेक्टिव टिशू है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है ब्लड का आपका, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिशू। तो फ्रेंड्स आपके ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस करने के बाद जो मुझे मिले थे, तो दोस्तों आपका एग्जाम अभी होने वाला है, तो आप अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मेल आईडी मुझे मेल कर दीजिएगा, ताकि जो आपके और फ्रेंड्स हैं उन तक के क्वेश्चन का जो सिलेबस है दोस्तों, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बताया जा सके, जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये पूरी तरह से सक्सेस होना चाहिए, जिस तरह से मैं आपके लिए एनालिसिस करके ले आया हूँ, उसी तरह दूसरे बच्चे जो आपके हैं अदर फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी हेल्प हो सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, अगर फ्रेंड्स हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।